हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज आपके साथ मैंगो लस्सी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आइए देखते हैं मैंगो लस्सी बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटा हुआ आम लिया है, और यह है दही 3 कप, और यह है शक्कर 2 बड़े चम्मच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यह है पिस्ता कतरन, और यह है बादाम कतरन, और यह है आइस क्यूब। तो आइए मैंगो लस्सी बनाना शुरू करते हैं। मैंगो लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग जार में ये जो कटा हुआ आम है इसे डाल देंगे। ये आइस क्यूब, शक्कर और ये दही। और अब जार का ढक्कन बंद करके इसे मिक्सिंग जार में ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए, हमारी मैंगो लस्सी बनकर बिल्कुल तैयार है, और अब हम इसे सर्व करेंगे। लस्सी को सर्व करने के लिए मैंने ये मिट्टी के कुल्लर का इस्तेमाल किया है, और इसमें लस्सी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो हम इसमें लस्सी सर्व कर लेते हैं, और बहुत ही क्रीमी लस्सी बनकर तैयार हुई है। और अब हम कटे हुए आम से लस्सी की और गार्निशिंग कर देते हैं। और ये बादाम कतरन, पिस्ता कतरन, और ये लीजिए, हमारी मैंगो लस्सी बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये लीजिए, ठंडी ठंडी क्रीमी मैंगो लस्सी बनकर बिल्कुल तैयार है, और बहुत ही स्वादिष्ट लस्सी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, और इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।